हैदराबाद। चार मीनार का ये शहर जितना खूबसूरत दिखता है उतनी ही खूबसूरत यहाँ की जुबान भी है। बोल ऐसे हैं कि हर कोई फिदा हो जाए, लेकिन सियासी तपिश में सियासतदान सब कुछ भूलने लगे हैं। सीधा देख लेने की धमकी दी जा रही है। पिछले दो दिनों में हैदराबाद में जो कुछ हुआ उससे तो यही लगता है। दरअसल भाईजान भड़क गई है, लोकसभा चुनाव है, हैदराबाद में कड़ी टक्कर भी मिल रही है। लिहाजा बयानों के जरिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी माहौल को गर्म रखना चाहते हैं। हालांकि शुरुआत उनकी तरफ से नहीं हुई। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने ओवैसी ब्रदर्स को चुनौती दे डाली। फिर क्या था, ओवैसी ने भी पलटवार कर दिया और साफ साफ कहा कि छोटे को छेड़ोगे तो कुछ भी हो सकता है। और एक मोहतरमा कहां से, महाराष्ट्र से, 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसे बाप को नहीं सुनता होने सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, दो दिन है, छोड़ दूं। दरअसल नवनीत राणा हैदराबाद में माधवी लता की हिमायत में तशहीर करने पहुंची थी, जहां उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को ललकारते हुए 15 सेकंड में ही सब कुछ देख लेने का बयान दे डाला। ऐसे में भला भाईजान कहां चुप रहते। उन्होंने भी कह दिया कि अगर T20 शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी खाली उन्हों टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड कहते इनको, 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड कहते, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं, तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को, तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस गाँव कहाँ पे आऊं बताओ। अब हम आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर पूरा बवाल शुरू हुआ। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। भाईजान को लेकर तनाजा बढ़ा तो चुनावी शोर के बीच लड़ाई हिंदू मुसलमान तक जा पहुंची। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने तो सीधे कह दिया कि सनातन धर्म को चैलेंज मिलेगा तो सब्र की सरहद भी टूट सकती है। ये धमकी ना दें ओवैसी, और धमकी देके भारत के सनातन हिंदुओं को डराने का काम ना करें, और जिस दिन ये डराने का काम करेंगे, अब समय आ गया है कि देश के सनातनी हिंदू भी इकट्ठे हों। ऐसे ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, अब ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अब नेहरू नहीं है। हालांकि हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की लड़ाई को वोट देने की बात से जोड़ दिया है। हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बाद नहीं कहते हैं, हम बस यही कहते हैं हम औरत हैं, हम स्त्री का रूप धारण किए हैं, कोई भी हो हमारे स्त्री एक मात्र स्वरूप होती है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो, ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। जाहिर है लोकसभा चुनाव की लड़ाई जीतने के लिए जुबानी जंग तेज हो चली है, सियासी पारा हाई है, हर कोई तीर कमान पर चढ़ाए बैठा है, बस निशाना लगने की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।